जय हिंद गाइस, नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने बीटा फंक्शंस के बारे में बात की, कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की, उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की हमने बात की कि और कौन हम दूसरे फार्म में बीटा फंक्शंस को जो है लिख सकते हैं। अब जब हम बीटा फंक्शंस की एक थोड़ी आधारशिला बना लिए हैं तो जो लास्ट हमारा एक बचा है इसमें गामा फंक्शंस, उसकी भी थोड़ी मैं आधारशिला बना लूँ, तो उसके बाद हम लोग फर्दर अवे आगे की बात करेंगे। तो अब हम लोग गामा फंक्शंस पे फोकस करने जा रहे हैं कि ये गामा फंक्शंस क्या है, कैसे निकाला जाता है गामा फंक्शंस। इसको भी जो है मैथमेटिशियन आयलर ने निकाला था और इसको हम लोग यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड भी बोलते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर गामा फंक्शन। इनका भी मैं थोड़ा बेस बना लूँ, उसके बाद तब मैं बात कर रहा हूँ गामा फंक्शंस। गामा फंक्शंस क्या है? सीधी सपाट डिफिनीशन यह है कि द डिफिनिट इंटीग्रल इसकी जो लिमिट है वो जीरो टू इन्फिनिटिव है, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स फॉर एन ग्रेटर देन जीरो। ये बात है यहाँ इज कॉल्ड, इसको हम लोग जो है गामा फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, इस डिफिनिट इंटीग्रल को ही गामा फंक्शन कहा जाता है। दिस इज डिनोटेड बाई, अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशंस क्या है उसको भी लिख दिया जाए। दिस इज डिनोटेड बाई, इसको जो है हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दिस इज द गामा एन, इसको हम लोग गामा भी कहते हैं। अच्छा एक जो बिगनर स्टूडेंट है वो ये समझते हैं कि गामा का एक सिंबल ये है, जो ये सिंबल हमारा होता है बेसिकली जो ऐसे बनाते हैं। तो ये जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट में यहाँ हमारा जो हम लोग कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं, वहाँ जो है अपर केस एंड लोअर केस के बारे में बात आती है। तो जो अपर जो केस है मतलब जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल जो हम लोग ये जो सिंबल यूज करते हैं इसको कैपिटल बीटा कहते हैं, ये जो है ना स्मॉल बीटा है। और ये जो सिंबल है ग्रीक अल्फ़ाबेट्स में, ये हमारा जो सिंबल है ना ये गामा है, दिस इज द कैपिटल गामा। और ये जो सिंबल है इसको हम लोग वहाँ स्मॉल केस भी कहते हैं और ये लोअर केस, और ये जो है हमारा अपर केस, यहाँ हम इसको कैपिटल भी अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ये जो सिंबल है ना ये कैपिटल गामा का है, और ये जो आप गामा बनाते रहे हैं वो स्मॉल गामा है। ये जो बीटा जनरली नोन रहे हैं आप अक्सर दिस, ये बीटा, तो ये जो हमारा स्मॉल बीटा है और ये कैपिटल बीटा। बट जो ग्रीक जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ जो उसका सेंस है यूज करने का, वहाँ अपर केस और लोअर केस की बात आती है, और उसको हम लोग दूसरे वे में अगर कैपिटल और स्मॉल की बात करते हैं तो मतलब सेंस वही है। मतलब ये कि ये स्मॉल बीटा है कैपिटल बीटा, ये स्मॉल गामा है और ये कैपिटल गामा है। तो ये जो सिंबल्स की जो गेम है ये तो आपको समझ में आ गई होगी, ग्रीक लेटर्स का जो है हम ये जो सिंबल है ना वो कैपिटल गामा है। तो ठीक है जी, चलिए ये तो बात हो गई, दिस इज डिनोटेड बाई गामा एन। तो दस अब जो हम गामा एन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, गामा एन का मतलब है कि ये जो हमारा डिफिनिट इंटीग्रल है जीरो टू इन्फिनिटिव ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, और एन यहाँ जो है ग्रेटर देन जीरो है, इसी को हम लोग गामा फंक्शन कहते हैं। अच्छा अब यहाँ जो कीवर्ड्स हैं ना, जो यहाँ लैंग्वेज की चीज़ें हैं वो थोड़ा आप ध्यान में रखिए, ऑलवेज कीप इन माइंड्स कि ये जो हमने गामा एन डिफाइन किया है, फर्दर अभी गामा क्या है क्या नहीं है वो बाद में हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी सिंपली मतलब ये है कि ये जो आप डिफिनिट इंटीग्रल देख रहे हैं जिसकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटिव है, उसके अंदर ये जो फंक्शंस लिखा गया है, कहने का मतलब ये कि इस फंक्शंस का जीरो से इन्फिनिटिव के बीच में जो इंटीग्रेशन होगा उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम लोग गामा एन कहते हैं। अब फर्दर वे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, निकालेंगे कि इसकी वैल्यू आती क्या है।
ठीक है राइट। अच्छा अब दूसरी एक बात क्या है, थोड़ा बात मैं यहाँ जो कहने जा रहा हूँ, जिसमें मैं जोर देने जा रहा था, वो ये है कि जब भी आप ये लिखें ना दिस, तो ऑलवेज इसको मेंशन करें, मतलब कि ये उस नंबर्स के लिए डिफाइंड है जो पॉजिटिव है, यानी आप यूँ कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर मैं निगेटिव नंबर लिखूंगा तो उस निगेटिव के लिए ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, मतलब यहाँ जो आप लिख रहे हैं दैट क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो दिस इज द गामा फंक्शंस, और इसको हम लोग इस यूलेरियन ऑफ द सेकेंड इंटीग्रल भी कहते हैं, तो लिख दिया जाए दिस इंटीग्रल आर गामा फंक्शन, दिस इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब यहाँ डिफिनिट इंटीग्रल है, बात समझी आ रही है, तो लिखा ही है दिस इंटीग्रल इज आल्सो नोन एज यूलेरियन इंटीग्रल, यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, ऑफ सेकेंड काइंड। और जो हमारा बीटा फंक्शन था उसको हम लोग यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड बोलते हैं, ठीक है जी, ये बात है। तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द गामा फंक्शंस। अब इसमें कुछ हमारी बातें हैं जिसको हम लोग एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ द गामा फंक्शन कहते हैं, तो वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं यहाँ बात कर लूँ। ये है एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन क्या है, जरा देखा जाए भाई ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी गामा फंक्शंस की क्या है। पहली इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि जो गामा एन प्लस वन है इसको हम लोग लिखेंगे एन गामा एन, यहाँ फार एन इज ग्रेटर देन जीरो। सेकेंड है कि जो गामा एन है इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन होता है, और यहाँ फार एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। चलिए थोड़ी यहाँ बात कर लें अपनी हम, कि जो पहली जो प्रॉपर्टीज हैं गामा की वो ये कहता है कि गामा एन प्लस वन को हम लोग एन गामा एन लिखते हैं, और ये जो जो इक्वलिटी है या जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट उस एन के लिए ट्रू है जो पॉजिटिव इंटीजर है, या सॉरी सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू है, बट जो सेकेंड कंडीशन हमने लिखी है कि गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन, या यूं कहें कि एक गामा और फैक्टोरियल में मेरा रिलेशन हो गया, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज जो बात करती है वो एक्चुअल में गामा और फैक्टोरियल के बीच रिलेशन है, और फैक्टोरियल सबको पता है कि हम लोग फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं, सबको ध्यान ऑलरेडी स्कूल स्तर से हम लोग जानते चले आते हैं कि फैक्टोरियल एन का मतलब एन एन माइनस वन, क्रम से इनका मल्टीप्लाई करते हैं एंड आर्ट्स वन थ्री टू इन टू वन, ये हमारा गामा एन है। तो अगर गामा एन माइनस वन लिखना है तो लो जी इसको हटा दीजिए, अब ये मेरा गामा एन माइनस वन हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या होगा कि ये जो गामा एन है, अगर ये फैक्टोरियल एन माइनस वन है तो फैक्टोरियल एन माइनस वन का मतलब ये है मेरा, तो ये ट्रू तब है जब एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। यानी अगर एन अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा का बिहेवियर जो होता है वो फैक्टोरियल जैसा होता है, लेकिन अगर एन इंटीजर नहीं है कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो फिर ऐसा बिहेवियर होता है। तो मतलब ये जो है इसके लिए भी ट्रू है, बट ये इसके लिए ट्रू नहीं है, ये स्पेशल कंडीशन हो गई ना कि वो सिर्फ इंटीजर्स के लिए होल्ड करता है, और ये इंटीजर है यानी कोई भी रियल नंबर जो ग्रेटर देन जीरो है वो उसके लिए होल्ड करता है, ठीक है जी, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसे प्रूफ करते हैं, देखते हैं, चलते हैं प्रूफ फर्स्ट की बात करते हैं। आइए क्या है भाई, मुझे ये पता है कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि गामा एन की जो वैल्यू होती है वो जीरो टू इन्फिनिटिव ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है। तो ये फार एन ग्रेटर देन जीरो ये ऑलरेडी आपको मेंशन करना ही करना है, जब भी आप ये लिखें आदत ही बना लें इसकी लिखने की, आपको फर्दर अवे ना बहुत ही फायदा करेगा। वो कितना फायदा करेगा, जब आप लिखने की एक आदत इसकी बना लेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कितना फायदा करता है। अब मैं गामा एन प्लस वन लिखने जा रहा हूँ एन की जगह एन प्लस वन, तो बात है कि मैं लिख सकता हूँ या नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम सीधे धड़ल्ले से पुट कर दें अपनी कहानी आगे शुरू कर दें, नहीं ऐसी बात नहीं है, गामा एन है। अब ये किसके लिए ट्रू है, उसके लिए ट्रू है जो एन पॉजिटिव इंटीजर है,
सॉरी एन हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है तो मैं गामा एन प्लस वन लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ। अगर एन अगर पॉजिटिव नंबर है तो निर्विवाद रूप से बात सत्य है कि एन प्लस वन भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ। तो एन की जगह एन प्लस वन लिख दिया जाए, लेकिन एन एन की जगह एन माइनस टू मैं कब लिख सकता हूँ, जब एन माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होगा तब, अदरवाइज मैं नहीं लिख सकता हूँ। मतलब गामा के अंदर जो लिखे हैं सिंपली सी बात ये है कि ये ग्रेटर देन जीरो है तभी ये बात लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ठीक है जी, चलिए गामा एन प्लस वन आ जाइए, आइए ताबड़तोड़। तो ये हो गया हमारा जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन प्लस वन लिखेंगे तो एन डी एक्स हो जाएगा, राइट। अब क्या है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट ले लें, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन ले लें। तो लीजिए जी, शुरू हो जाइए। तो गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स है माइनस हो जाएगा, बात क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, तो डिफ्रेंशिएशन तो भी आप चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे, ये हो गया। और इसका इंटीग्रेशन माइनस आएगा तो ये कहानी इनकी प्लस कह देंगे, डी एक्स हो गया। अच्छा अब लिमिट है यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट आ जाएगी। अब यहाँ भी जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू का मतलब क्या है, थोड़ी मैं बात अब यहाँ पर नहीं कर लूँ, एकदम ध्यान से देखिए इस चीज़ को, आपको बड़ा सीरियसली जो है वाच करना है। हम ये क्या है, एक्स वेरी करता है, ऑलरेडी हम बात अपनी इसके पहले वीडियो के लेक्चर्स में हमने किया था, यहाँ जो डी एक्स लिखा है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन लिखा है वही वेरिएबल होता है, वही लिमिट होती है। तो एक्स जो है जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू जीरो टू इन्फिनिटी है। अब मैं एक्स यहाँ इन्फिनिटी लिखूंगा तो देख रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं एक्स यहाँ इन्फिनिटी लिखूँ तो इन्फिनिटी रेज टू द पावर एन हुआ, इज इट क्लियर, यू गॉट इट, ठीक है जी। अब यहाँ हो गया इन टू ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एन ग्रेटर देन जीरो है, तो अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो इन्फिनिटिव के पावर अगर नंबर आप लिखें तो इन्फिनिटिव रहेगा, और ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटिव की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो इंटू इन्फिनिटिव इज वाट इज द इनडिटर्मिनेंट फार्म। तो इनडिटर्मिनेंट फार्म हो गया, तो इनडिटर्मिनेंट फार्म को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो चलिए आइए लिमिट हम भी निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव एक्स रेस टू दी पावर एन इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए जी इसको ऐसे आप सॉल्व करिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव ई रेस टू दी पावर एक्स, ठीक है, एक्स रेस टू दी पावर एन अपन ई रेस टू दी पावर एक्स, जो फार्म बनेगा वो इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव का बनेगा, ठीक है जी। अब क्या करिए, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, कब तक लगाते रहिए, जब तक इन्फिनिटिव बाय इन्फिनिटिव फार्म चलता रहे, या इसको एक्सपेंड करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में ताबड़तोड़, तो कोई बात नहीं है। एन टाइम्स ऑफ फाइनली आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फैक्टोरियल एन हो जाएगा, और ई रेस टू दी पावर एक्स का अनंतों टाइम करते रहिए, यूं ही करते रहिए, यही वैल्यू मिलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये हो गया फैक्टोरियल एन बाय इन्फिनिटिव एंड दैट इज जीरो, जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि ई रेस टू दी पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव मिलेगा, तो कोई फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटिव दिस इज द व्हाट, दिस इज द जीरो। तो जब ये इन्फिनिटिव लिखेंगे तो ये कहानी फिनिश हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा जब एक्स की जगह जीरो लिखेंगे तो वैल्यू एक्स जीरो लिखने पे ये वन होगा, बट ये जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कहानी फिनिश, तो फाइनली वैल्यू जीरो हो जाएगी। अपर लिमिट पे वैल्यू जीरो, लोअर लिमिट पे जीरो, तो कहानी इनकी जीरो, प्लस एन जीरो टू इन्फिनिटिव एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज द गामा एन प्लस वन। तो थोड़ा ठीक ठाक लिख दें, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, बस थोड़ा इधर उधर किया है, ये जो है मेरा गामा एन, ठीक है जी। तो क्या हो गया, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, हैंस दिस इज द प्रूफ हियर, प्रूफ हो गई बातें। अच्छा अब ये जो है इसके लिए भी ट्रू होगा, ट्रू होगा या नहीं, डेफिनेटली होना ही पड़ेगा इनको, क्यों होना पड़ेगा, रीजन इसका सिंपली ये है कि ये जो रिजल्ट है मेरा सभी पॉजिटिव के लिए, सभी पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू है, और पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो सब पॉजिटिव नंबर में ही तो आता है, तो अगर ये ट्रू है तो इनको डेफिनेटली ट्रू होना पड़ेगा। तो चलते हैं इसको हम प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं सेकेंड को। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर,
सेकेंड में रिलेशन है गामा और फैक्टोरियल के बीच में, तो अगर गामा और फैक्टोरियल के बीच हम लोग रिलेशन निकाल लिए तब तो कम से कम एक बात हो गई, जो गामा से डर लगने वाली चीज़ थी वो तो फिनिश हो गई होगी, कि अगर इंटीजर अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा जो है फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये फर्दर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसे फर्दर वे अपनी बात करेंगे वहाँ। अभी तो सिर्फ ये देख लें कि भाई ये क्या क्या है हमारे। सेकेंड बात हम प्रूफ करने जा रहे हैं, फर्स्ट बात हमने यहाँ प्रूफ कर ली है। ये बीटा गामा फंक्शन बड़ी रहस्यमय चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में, कैसे कैसे चीज़ें इससे साल्व होंगी। जैसे जैसे मेरा वीडियो लेक्चर से आगे की ओर मूवमेंट करेगा वैसे वैसे रहस्य से पर्दा हटता रहेगा, बड़े बाकमाल बाकमाल क्वेश्चंस इंटीग्रेशंस के हम लोग लाएंगे साल्व करेंगे। अभी तो मैं रिजल्ट सेकेंड की बात कर लूँ। अभी हमने एक बात चीज़ प्रूफ की क्या, कि गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन फार एन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर, अभी हमने प्रूफ किया ये। यानी अगर एन ग्रेटर देन जीरो है तो मैं ये बात लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्यों ऐसा ही क्यों लिखना है, यहाँ तो गामा का मतलब हमारा जो है हमने जो ली एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, ऑफकोर्स एन जो वैल्यू है हमारी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हम गामा एन के बारे में आते हैं, गामा एन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, इसको ब्रेक कर लें अपनी बात यूजिंग दिस कंसेप्ट, या इस एन को एन माइनस वन से मैं रिप्लेस कर दूं तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए थोड़ा ऐसे गामा एन को मैं लिख सकता हूं गामा एन माइनस वन प्लस वन दिस, अब यूजिंग दिस कंसेप्ट हियर तो फिर क्या होगा, एन प्लस वन है तो वन हट गया प्लस वन, क्या बचा एन बचा ये बचा, तो ये बचेगा सॉरी एन माइनस वन इंटू व्हाट गामा एन माइनस वन, लिख सकते हैं नो नी डाउट, गामा एन को मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन प्लस वन। ठीक, देखिए फार्म हो गया हमारा, एन के जगह मेरा एन माइनस वन हो गया है, प्लस वन ऑलरेडी है, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, दिस एन और गामा एन, तो एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन यूजिंग सेम कंसेप्ट हियर राइट, और तो बात अंदर की ओर चली रही है। ठीक है जी, यानी गामा एन इज इक्वल टू मैं ये बात लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ भाई, एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब गामा एन माइनस वन को अगर मुझे तोड़ना हो तो देखिए हाँ मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एन माइनस टू प्लस वन, डेफिनेटली अप्लाइंग सेम कंसेप्ट हियर, तो मैं क्या लिखूँगा एन माइनस टू इंटू गामा एन माइनस टू राइट, तो गामा एन माइनस वन की जगह मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन इंटू व्हाट एन माइनस टू गामा एन माइनस टू राइट। इज इट क्लियर, क्योंकि ये रिलेशंस सारे एन ग्रेटर देन जीरो के लिए ट्रू है। अब गामा एन माइनस टू यूजिंग सिमिलर कंसेप्ट या प्रोसीडिंग इन सिमिलर मैनर क्या लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एक इससे कम कर दिया जाए तो एन माइनस थ्री और गामा एन माइनस थ्री। अगर ऐसे ही हम लोग चलाते रहें तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, टू इंटू वन, ये बात मेरी आएगी राइट। जस्ट एक लास्ट जो टर्म मैं लिखूंगा क्योंकि उस स्टेज में जो मेरी वैल्यू आएगी, जैसे अगर हम यहाँ देखें गामा एन जो है लास्ट में यहाँ जो होगा ना, यहाँ जो होगा सेम वही होगा, एक्चुअल में ऐसा आएगा दिस, ये आएगा आपका वन इंटू गामा वन, जब भी आप तोड़ेंगे तो ये फार्म आपका बन के आना ही आना है। तो गामा वन की वैल्यू क्या है उसकी निकाल लिया जाए, तो गामा एन है जीरो से इन्फिनिटी वी रेस टू दी पावर एक्स, ये है तो गामा वन की वैल्यू क्या होगी देख लीजिए, ई रेस टू दी पावर यहाँ एक्स रेस टू दी पावर जीरो, ये इसको इंटीग्रेशंस करेंगे ताबड़तोड़ मैं लिख रहा हूँ जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो दे देगा बट ये वन आ जाएगा, गामा वन इज इक्वल टू वन ये होता है। तो ये मेरा हो गया एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड आर्ट्स वन टू इंटू वन इंटू वन, और ये मेरा है फैक्टोरियल एन माइनस वन,
लो जी ये हो गया गामा एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन माइनस वन इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तब ये वैल्यू लिखेंगे, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो गामा एन लिखा जाएगा एन गामा एन। ठीक है, अब थोड़ा कुछ ही एक हम लोग लगे हाथ थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लें ताकि जो बड़ा कहीं बिगनर स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा वो दूर हो जाए। जैसे देखिए, अच्छा गामा जो आप तोड़ेंगे ना वो वहीं तक इजाजत है जब तक वो पॉजिटिव है, अगर वो निगेटिव हो गया मतलब ये जो गामा एन आप लिख रहे हैं ये तभी तक लिखेंगे जब इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन जीरो है, तभी तक आपको इजाजत है उसकी तोड़ने की। अगर जहाँ वो निगेटिव आ जाएगा ना वो तोड़ने की इजाज़त आपको फिनिश हो जाएगी, फिर तो वहाँ गामा डिफाइंड नहीं होगा, कहानी फेल हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए जैसे मान लीजिए हम गामा यहाँ सेवन लिखने जा रहे हैं तो गामा सेवन कैसे लिखेंगे यूजिंग दिस कंसेप्ट, फैक्टोरियल सिक्स लिख दीजिए या इस पे भी मैं लिख सकता हूँ। तोड़िए अब देखिए, गामा सेवन को लिखेंगे सिक्स गामा सिक्स हो गया, अब गामा सिक्स को तोड़िए सिक्स इंटू गामा सिक्स को लिखेंगे तो फाइव गामा फाइव, फाइव कैसे तोड़ेंगे यहाँ से तोड़िए फोर से कम करिए फोर गामा फोर, ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा पता है थ्री टू इंटू वन गामा वन आएगा। अब गामा वन नहीं टूटेगा, गामा वन हमने निकाला इसकी वैल्यू वन होती है, क्योंकि तो गामा वन को अगर आप तोड़ेंगे तो बाय दिस रूल क्या आएगा एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा गामा जीरो, तो देयर इज द प्रॉब्लम हियर, गामा जीरो इज नॉट डिफाइंड हियर। तो तभी तक इजाजत है जब तक वो पॉजिटिव बचा है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर कहानी आपकी फिनिश हो जाएगी, और गामा वन की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाल ही लिया वन, तो फिर टारगेट टूटना नहीं है तो कहानी फिनिश। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल सिक्स। ठीक है जी, तो गामा सेवन इज इक्वल टू फैक्टोरियल सिक्स। अब मान लीजिए कोई गामा फाइव बाई टू निकालने जा रहा है इस टाइप का, तो कैसे निकालेगा यूजिंग सेम कंसेप्ट, एक कम करिए लिखते रहिए, तो एक कम करेंगे तो क्या आएगा फाइव बाई टू में से एक वन निकालेंगे तो थ्री बाई टू आएगा, तो थ्री बाई टू इंटू गामा थ्री बाई टू, अब इस थ्री बाई टू को तोड़िए तो वन बाई टू आएगा इंटू गामा हाफ आएगा, अब गामा हाफ जब तोड़ेंगे तो इससे एक कम करेंगे तो वन बाई टू में से वन निकालेंगे तो माइनस वन बाई टू आएगा और गामा माइनस वन बाई टू, और अभी हमने बताया ये इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि गामा के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए तो फिर ये आगे नहीं टूटेगा। तो फिर एक क्वेश्चन एराइज हो गया यहाँ बड़ा ज़बरदस्त कि गामा हाफ की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो फर्दर अभी हम लोग बात करेंगे इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एकेडमिक के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह वर्क करता है, तो हम लोग देखेंगे इसे। बहरहाल हमने ये रिजल्ट प्रूव किया, अब इसके लगे हाथ है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस की बात आती है कि हम लोग गामा फंक्शंस को दूसरे रूप में भी ट्रांसफार्म करते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है थोड़ा उसको भी हम लोग देख लें। अदर फार्म ऑफ द गामा फंक्शंस आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शंस, कि गामा फंक्शंस को हम लोग कैसे कैसे ट्रांसफर करके लिख सकते हैं उसकी बात मैं यहाँ थोड़ा कर लूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शंस आर ट्रांसफार्म ऑफ द गामा फंक्शन आर इनोदर फार्म ऑफ द गामा फंक्शंस, जो भी लिखना है वो आप लिखते रहिए। कहने का मतलब क्या है वो एक मैं रिजल्ट लिखूंगा और उस रिजल्ट का सिंपली मतलब ये होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शन। तो देखिए क्या है, जैसे इसमें फर्स्ट एक रिजल्ट है बड़ा मार्वलस, ये भी रिजल्ट है, अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं यूनिवर्सिटी स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रूफ दैट गामा एन अपॉन ए रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू दिस, ये होता है, ये बड़ा फेमस रिजल्ट, या यूं कहें कि गामा का एक दूसरा रूप है ये। ठीक है जी, अब ये कैसे आता है हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है जी, तो चलिए आइए, वी नो दैट, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, गामा एन की वैल्यू होती है जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स, और हमने बार बार आपको चेतावनी दी है कि ये ऑलवेज लिखते रहेंगे, ऑलवेज दिस कंडीशन, हो गई बात है। अब यहाँ जैसे मुझे ए एक्स की बात है ना, तो देखिए वो ए एक्स कैसे आएगा, लेट कर लीजिए, सब्सिट्यूशंस पे आइए, लेट ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई,
तो दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू ए डी वाई। हुई बात, लो जी हो गई बात। अच्छा अब लिमिट देखिए कैसे बदलेगी, अगर x मैं यहाँ जीरो लिख दूँ नेचुरल सी बात है y जीरो आ जाएगा, और अगर मैं इन्फिनिटिव लिखूँगा तो y इन्फिनिटिव आ जाएगा, तो लिमिट तो वही रहेगी, लिमिट में कोई गेम नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, e रेस टू दी पावर x की जगह हो जाएगा ए वाई, ठीक। अच्छा x की जगह जब ए वाई लिखेंगे तो पावर आ जाएंगे n माइनस वन, डी एक्स की जगह मैं लिखूँगा a इंटू डी वाई। लो जी सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको इसको जब सॉल्व करेंगे तो a रेस टू दी पावर n, जीरो रेस टू दी पावर इन्फिनिटिव, e रेस टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू यहाँ y रेस टू दी पावर n माइनस वन इंटू डी वाई, ठीक है जी हो गई बात। अब ये गामा n अपान a रेस टू दी पावर n इज इक्वल टू लिमिट जीरो टू इन्फिनिटिव e रेस टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू वाई रेस टू दी पावर n माइनस वन डी वाई, हो गई जी। लो बात हो गई, प्रूफ हो गई। और अभी हमने कहा था यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, कपड़े बदल जाने से इंसान नहीं बदलते हैं, उनके चेहरे वही रहते हैं, कपड़े बदल दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लो जी मैं कपड़े बदल दिया हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी एफ ऑफ वाई हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ये वही बात रहनी चाहिए। तो इस वाई की जगह मैं जेड भी लिख सकता हूँ, एक्स भी लिख सकता हूँ, तो मतलब इसको यूँ भी मैं लिख सकता हूँ, गामा एन अपान ए रेस टू दी पावर एन इज इक्वल टू जीरो रेस टू दी पावर इन्फिनिटिव ई रेस टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शंस का, कि अगर ये इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू ये होगी, गामा एन अपान ए रेस टू दी पावर एन, ये इसकी वैल्यू होगी। लो जी ये वैल्यू हो गई मेरी, ठीक है। अब तो मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा इजी इसका प्रूफ। एक और फॉर्म है लगे हाथ, उसे भी मैं प्रूफ कर दूं। एक इनोदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शंस का, और वो जो मेरा आता है ना, जैसे यहाँ गामा एन इज इक्वल टू ये है, लगे हाथ मैं यही प्रूफ कर दूं। वहाँ सब्स्टिट्यूशंस हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशंस हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, अगर ये सब्स्टिट्यूशंस आपको याद नहीं है ना तो आप नहीं कर पाएंगे, तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रहनी चाहिए। ये x इज इक्वल टू ए वाई जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो गामा का ये रूप मिलता है, ये रूप है, और जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाएंगे कि e रेस टू दी पावर माइनस एक्स की जगह y ले लेंगे, तो फिर एक दूसरा रूप गामा का आ जाएगा, और वो कैसा रूप आएगा, बड़ा एक विकराल टाइप का रूप आता है, देखिए कैसा रूप आता है वहाँ, विकराल इन द सेंस मतलब कोई बहुत वो डफाल डफाल की चीज़ें नहीं आएंगी, छोटी चीज़ आएंगी, बट वो बड़ी घातक टाइप की आएंगी, रहीमन के दोहा जैसा। तो चलिए e रेस टू दी पावर माइनस एक्स अगर वाई है तो एक्स इज इक्वल टू पता है ना लाग वन बाई वाई हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस e रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, हो गई बातें। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई अपान ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ये बात हो गई। और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है जी, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स, और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स हमारा जो है वाई है, तो यहाँ मेरी बात क्या हो जाएगी, माइनस डी वाई बाई वाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी, अब चलते हैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तो ऑलरेडी यहाँ मिल जाएगा, तो नो नीड, बहुत ज़्यादा ज्ञान बखारने की ज़रूरत नहीं है, यही जब काम चल जाए तो बहुत ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं की जाती है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि जितने सिंपल ऐसे किसी प्रॉब्लम का सलूशन खोजा जाए वो इतनी अच्छी बात है। चलिए गामा एन इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट देख लीजिए, लिमिट क्या क्या बदलेंगे, अगर एक्स की जगह मैं माइनस एक्स की जगह मैं अगर इन्फिनिटिव लिख दूँ तो ये माइनस इन्फिनिटिव जीरो हो जाएगा और ये मेरी वैल्यू वन हो जाएगी, हो गई लिमिट चेंज हो गई, देखिए रूपे बदल गया पूरा गामा फंक्शंस का, पूरा गामा फंक्शन जो चल रहा था ना वो जीरो से इन्फिनिटिव चल रहा था, अब यहाँ जीरो टू वन आ गया, याद है जीरो वन लिमिट कहाँ होती है, जस्ट इसके पहले की वीडियो लेक्चर से हमने बात किया है कि वो जो होता है ना बीटा फंक्शन में आता है, क्योंकि जो बीटा एमियन होता है साथ साथ लिखते रहे, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, जीरो टू वन एक्स रेस टू द पावर एम माइनस वन, ये यही है मेरे।
जब मैं लिखूंगा तो मैं बार बार बोला हूँ कि ये आप लिखते रहिए, हम भी लिखते रहते हैं, मेरी भी आदत है, बड़ा फ़ायदा देता है हमें, आपको भी देगा ये, बस आदत बना लीजिए लिखने की उनकी। लो जी लिमिट हो गई मेरी 0 to 1। अब देखिए क्या होगा, ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह मैं ताबड़तोड़ वहाँ मैं माइनस डी वाई लिख सकता हूँ, तो माइनस हो गया, चलिए यहाँ डी वाई लिख दें। यहाँ देख लें एक्स क्या आएगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, लॉग वाई आ रहा है, तो ये हो गया लॉग 1/y। ठीक है, अब इनपी जो पावर होगा कितना चढ़ेगा भाई, एन माइनस वन आ जाएगा। अभी समझ ही रहे हैं लिमिट की दुनिया में माइनस क्या गुल खिलाता है, ऊपर हो जाएगा ये, नीचे हो जाएगा, ये हो गया लॉग 1/y पावर हो गया एन माइनस वन डी वाई, ये हो गया गामा एन। अच्छा चेहरा बदल दीजिए, सॉरी कपड़े बदल दीजिए, तो कपड़े बदलने का मतलब जहाँ वाई है वहाँ एक्स लिख दीजिए, तो ये गामा एन, ये 0 to 1 लो जी, मैं ये भी इंक यूज कर लूँ, तो ये हो गया लॉग ऑफ 1/y पावर हो गया एन माइनस वन वन है, और ये हमारा 0 लिख, ठीक है, और ये हो गया मेरा डी वाई। ये एक दूसरा रूप भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूप है ये, मतलब ये जो इंटीग्रल है ना वो एक्चुअल में गामा एन के इक्वल होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो गामा फंक्शंस क्या है, किसे हम गामा फंक्शंस कहते हैं, किस डिफिनिट इंटीग्रल को हम गामा फंक्शंस नाम देते हैं, और ये गामा का जो सिंबल है उस सिंबल्स का मतलब हमारा यहाँ क्या है, गामा के और कौन से रूप होते हैं, गामा की कौन सी थोड़ी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन एक बेसिक चीज़ है गामा की, ये सब सारी बातें इस वीडियो लेक्चर्स में हुई, और मुझे उम्मीद है कि ये अब चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस जगह प्रॉब्लम है, तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे हम आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।